आग रही है। एक तो उसकी आंखें। बहुत मजे की सब्जी बनी है, चावलों के साथ खानी है तो खा लेना। अच्छा पराठा मोती चूर के लड्डू बेच रहे हैं। क्या चले तुझे अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इतनी जल्दी जल्दी अभी आज रात में मैंने एक वीडियो पोस्ट की है। आज मैं गई थी अनिया का TCS करने, वो सारे काम करके आई हूँ और आज ही हमारी सहरी की दावत है। ताहिर भाई और गज़ाला भाभी ने हमें ढाबे पे बुलाया है सहरी के लिए, क्योंकि वो हमारी बड़ी पसंदीदा जगह है। अक्सर हम लोग चाय पीने वहाँ जाते हैं, वहाँ पर क्वेटा होटल की चाय हमें बहुत पसंद है। तो एक दफ़ा पहले भी गए थे तो इतना मज़ा आया कि उन्होंने कहा कि हम क्यों ना सहरी करें। तो हमारा जितना भी ग्रुप है, इम्तियाज़ भाई, तलत और असलम भाई, सब ने एग्री किया। उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल करते हैं वहाँ पे सहरी। तो मैंने गज़ाला भाभी से कहा कि आप खीमा बना लीजिएगा, तो शी हैप्पीली एग्रीड। तो अपना मज़ेदार कीमा बना के ला रही हैं, वो जो छत वाली दावत पर, जो लकड़ी पर खाने वाली दावत पर उन्होंने बनाया था, तो वो कीमे के साथ हम लोग वहाँ पे क्वेटा के लच्छे वाले पराठे खाएंगे। और चाय, जब भी मैं वहाँ जाती हूँ कोई 2-3 कप चाय पीती हूँ, 1 कप नहीं। तो चलें, अभी बजे हैं कोई 2:15 बजे। मैंने उनसे कहा था यहाँ आएँ और यहाँ से फिर हम लोग सब एक साथ निकलें। अगर बहुत लेट हुआ कोई तो उनको डायरेक्ट वहाँ बुला लेंगे, तब तक हम वहाँ जा के चेयर्स वगैरह लगवाते हैं। बहुत ही रोड साइड टाइप का सीन है, कोई इतना फॉर्मल और उस तरह का नहीं है, लेकिन यह है कि वहाँ पे बड़ा कंफर्टेबल सा एक साइड पे हमें वो टेबल लगा देते हैं, जिसमें कि बिल्कुल ही एक प्राइवेट सी जगह होती है और हम वहाँ बैठ के चाय पराठे और सब, क्योंकि हमारा ग्रुप इतना बड़ा है, आपने तो देखा हुआ है। अब तो आपको भी लगता होगा कि मेरी फैमिली है, तो ऐसा ही है कुछ। आई मीन वी बीन सो क्लोज, और अच्छा लगता है एक दूसरे से मिलना, हंसी मजाक, यूँ लगता है कि जैसे ना किसी की कोई गिबत हो रही है ना कुछ हो रहा है, बस सिर्फ हंसी हो रही है, कुछ अच्छी बातें हो रही हैं और इन्जॉय करते हैं, दिल हल्का हो जाता है, बंदा फ्रेश हो जाता है, माइंड अच्छा हो जाता है, खुल जाता है। तो ऐसे लोगों से मिलना चाहिए, ऐसी कंपनी होनी चाहिए आपकी लाइफ में। इसीलिए हम लोग अगर जितना भी फ्रीक्वेंट मिलें, यूँ लगता है जैसे वो कम है। तो जी, पिछले साल मेरे यहाँ पे बहुत सहरियाँ हुई थी, ऐसे ही हम लोग देर तक बैठे गपशप करते थे। तो जब मैं देखती थी कि टाइम होने वाले अभी 2 घंटे रह गए हैं, तो मैं किचन में पराठे बनाना शुरू हो जाती थी, तो सबको बड़ा मज़ा आता था। तो ये अचानक वाली सहरी होती थी, कोई दावत और इस तरह की नहीं होती थी। सब उठते थे कि हम जाते हैं घरों में, तो मेरा दिल चाहता था कि नहीं, यहीं पे मैं जब पराठे बना रही हूँ तो यहीं पे खा लें। तो वो सादा सा एक करते करते बड़ा स्पेशल हो जाता था उनकी कंपनी की वजह से। तो बस इन अबाउट 40 मिनट्स सब लोग यहाँ आ रहे हैं और उसके बाद हम निकलते हैं। आपको दिखाती हूँ कि ढाबा स्टाइल सहरी का एक्सपीरियंस हमारा कैसा रहा। यू ऑलवेज़ आस्क मी कि मैं जो भी जोड़ा पहनूँ आपको बताऊँ। दिस इज़ फ्रॉम सॉलिड्स, पिछली वीडियो में भी मैंने पहना है तो आप देख सकते हैं। तो सॉलिड से मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, अच्छा आयरन फ्री टाइप का कपड़ा है और ये पुराना है काफ़ी, मेरा ख्याल है इसको 5-6 महीने तो हो गए। आपने बाकी वीडियोस में भी, पिछली में भी देखा होगा, क्योंकि मैं कपड़े बहुत रिपीट करती हूँ। तो ये जो है, दिस आई गॉट सेपरेटली, मेरा ख्याल है वहीं गल्फ़ से ही लिया था, वो जिस तरह की शॉप्स होती हैं ना छोटी छोटी सर्दियों में शॉल्स और स्टोल्स की, उनसे मैंने ये इस तरह के कुछ लिए थे। तो ये थोड़ा गर्म भी है, हालांकि सर्दी नहीं है, मगर ये कि थोड़ी हवा वहाँ चले तो अच्छा है। इसके साथ ये मैच कर रहा था, क्योंकि आजकल ज़्यादातर कपड़े जो हैं बग़ैर दुपट्टे के आते हैं। तो मैं आपको इसका फुल लुक भी दिखाती हूँ, डोंट माइंड माई चप्पल। क्या खा रही हो इस वक्त? सहरी बनाने आई थी मैं किचन में। बर्गर। बर्गर है ये, बाइट दो मुझे भी। अंडे की सर्दी, मसाला, ये कौन सा है? निम्को। मैं जरा
सालन रख लो फ्रिज में, क्योंकि ये लोग तो सालन खाएंगे नहीं, इनके लिए सहरी में मुझे वही बनाने पड़ेंगे, कबाब और फ्राइड एग्स। बल्कि नबिया तो क्या मैकरोनी बना रही हो ना? मैकरोनी नहीं कहता अम्मा, मैं स्पेशल पास्ता बना रही हूँ, जी जी हदीद वाला। नबिया जी जी हदीद वाइट वन वाइन पास्ता, अम्मा वाइट वाइन पास्ता, बहुत मज़े की सब्ज़ी बनी है, चावलों के साथ खानी है तो खा लेना। कभी देख रहे सब्जी खाते हो? ढाका स्वीट से आज मैं याया के लिए लाई थी, ये मैं ले जाऊंगी वहाँ पे, हम चाय के साथ हो सकता है किसी का दिल करे, और साथ में अचार ले जाऊंगी थोड़ा सा, तो ये मेरी तरफ से हो जाएगा। बल्कि मैं तो सोच रही थी थोड़ी सब्जी भी ले लो, मगर सब्जी कौन खाएगा कीमे के साथ? अच्छे वाले पराठे ले आएगा, वो फ्रीज कर लेंगे, अगले दिन अफ्तारी में खाएंगे। डन। फिर कहती है आधा मुंह कटा हुआ आता है। बेटियां वैसे कितनी प्यारी होती हैं, जो रौनक बेटियों से होती है ना, मैंने देखा वो बेटों वाले घरों में नहीं होती। बेटे वाले घरों में माशाल्लाह उनका अपना एक वो है, लेकिन ज़्यादातर वो हाइपर होते हैं, एक्टिव होते हैं लड़के तो। लेकिन होनी चाहिए ना, अगर हाइपर और एक्टिव होते हैं लड़के तो। माँ को मुसीबत पड़ी होती है ना, वो तोड़ दिया, वो गिरा दिया, उधर से स्विच निकाला, उधर हाथ डाल दिया, तो ये तो खैर आप लोगों के साथ भी होता है, मतलब बेटियों के साथ भी होता है, बट टिल अ सर्टेन एज। बट ये है कि बेटियों का थोड़ा रंग ज़्यादा होता है ज़िंदगी में, माशाल्लाह उनकी धीमी धीमी आवाज़, उनकी नरम नरम लहजे, उनका टच, ये सब बहुत प्यारा होता है। तो वो टच पाँव लगा रही हो माँ को? और क्या लगाऊं? दो नबिया इस वक्त बहुत फनी मूड है, उसने फ़ोन टच कर दिया मुझे, एक हाथ में ग्लास है पानी का और एक हाथ में फ़ोन है। नबिया यू टू फनी एट टाइम्स, पता है कौन था ऐसे? एट टाइम्स ना बोला करें, खाला। हाँ नहीं हया बापा रात के जैसे जैसे लेट होते जाते थे, और अगर वो जाग रही है, एक तो उसकी आंखें बिल्कुल गोल हो जाती थी और खुल जाती थी, इससे बजाय इसके कि वो स्लीपी हो, और इतनी फनी हो जाती थी। एक दफ़ा मैंने उससे कहा, वो छोटी थी, मैंने कहा हम दोनों माँ बेटी ना, ईमान नामों में इतना मिक्सअप कर देती हूँ, अन्निया सोई हुई थी, चार बेटियाँ माशाल्लाह, अन्निया सो रही थी, तो मैंने उससे कहा, हम लोग लाउंज में बैठ गए, मैंने कहा कि काम करो, जाओ जाके काला कोला लेके आओ, मैं आपके बालों में लगाऊँ। काला कोला एक टॉनिक आता था, तो बहुत मतलब मेरे बचपन से भी पहले का है वो, अब भी आता है, तो उसकी खुशबू मुझे अभी तक याद है। तो मैं वो ला के रखती थी कि वो दिमाग को बहुत ठंडा ठंडा लगता है सर में, तो मैंने उससे कहा जाओ काला कोला की बोतल लेके आओ, मैं आपके सर में लगाऊं। वो लाई, मैंने जैसे ही डाला ना, तो वो थोड़ा थिक होता है ऊपर, उसके थोड़ा ऑयल होता है मिक्सचर सा, कहती ये क्या है, कभी इसमें से लोशन निकल रहा है, कभी इसमें से ऑयल निकल रहा है। तो मुझे इतनी हंसी आई, फिर मैं जब स्ट्रेस में होती हूँ ना, उन दिनों में ज़रा जिम शिम भी करती थी, तो मेरे पैरों की ना वेन्स, तो मेरे पैरों पे ना वेन्स बहुत ज़्यादा निकली हुई थी, तो यूँ करके थी, मामा आपके तो पैरों पे भी पसलियाँ निकली हुई हैं। अम्मा एक बात सवाल पूछना है, मेरे पास इतनी अच्छी चेंज होती हैं और मैं वो पहनती हूँ, जैसे एक सुरोस्की की चेन थी मेरे पास, पहली महीने चौधरी थी, वो मैंने साल पहनी है, मगर उससे मेरे गर्दन पे यहाँ पे ब्लैक ब्लैक या ब्लू ब्लू निशान आना शुरू हो जाते थे। फिर मैंने एक खाली चेन पहनी, उससे भी ब्लू ब्लू निशान आना शुरू हो गया, हालांकि मैं रोज़ उसको साबुन से धोती थी, वो उतार के नहाती थी, गले को साबुन से धोती थी, अब मैं कुछ भी नहीं पहन रही क्योंकि निशान आ जाते हैं, आपके तो नहीं आ रहे। बेटा उसकी वजह ये है कि पसीना जब आता है ना गर्दन पे, आप स्कूल जाती हो कॉलेज जाती हो गर्मी में, वो पसीना जो है उसकी वजह से वो मेटल में से कलर, और पसीना एसिडिक होता है, तो वो
नहीं तो मेरे दोस्त भी पहनते हैं, मैं भी शुरू उनको भी नहीं आता। वो कौन सी पहनते हैं, क्या मेटल है मुझे बताओ, मैं वही ला दूंगी आपको। नहीं मतलब रैंडम पहनते हैं, सब पहनते हैं। बाल आप ज्यादातर खुले रखती हो ना, आपको पसीना ज्यादा। इनको बस बहाना चाहिए बाल खुले होने का। मुझे नहीं अच्छे लगते, मुझे आप पे सूट करते हैं खुले बाल, लेकिन बांधो तो ज्यादा अच्छा, जरा सिमटे सिमटे लगते हैं, पसीना कम आता है, फेस पे फोकस ज्यादा जाता है। नहीं मेरी हसीना, माशाल्लाह देखो इतना प्यारा मुंह है, इतना प्यारा माशाल्लाह। पूरा दिन मेरी इंस्टाग्राम पे ना वो आती हैं नोटिफिकेशन रेसिपीज, ठीक है, लाइक आज रमजान में अब वो जो सर्च। हाँ जी रेसिपीज आती हैं, और इन मैडम ने क्या किया, चावलों की तरह मैकरोनी को भिगो दिया। मैंने भिगोया, बड़ा अच्छा सीखती हैं आप रेसिपीज। वैसे मैंने भिगोया नहीं था, गैस खत्म हो गई, मेरी क्या गलती है। अब मैं अभी मुझे कुछ हो रहा है तो अगर मैं एक चीज करूं, क्या करना है, मैं डार्क सर्कल्स के लिए थोड़े से दही के अंदर कॉफी मिला के लगा देती हूं। वेयर इज द कॉफी सीरम आई गेव यू नबीहा? Where is the coffee serum I gave you? Mama, you didn't give me any coffee serum. Can you please send me the picture of the coffee serum again? I'll look for it. Okay, I'll send it to you right away. Achha, Mama, bataye, dahi to hai nahi? Dahi hai, kyun nahi? Dekho, isme ek packet hoga, uska day fresh ka. Darwaze mein, purple color ka. Ye? Achha, mujhe mushi se lagta hai blueberry hai. Nahi, ye dahi hai. हाँ जी हम पहुंच गए हैं और हमने जाना है कौन सा होटल है ये तो मलिक है, नाली है। अच्छा ये आलमगीर, ये मलिक, और ये रहा जी न्यू क्वेटा होटल। और हमने अपनी चेयर्स लगवानी है, मेरा ख्याल है वही है असलम भाई बैठे हैं। असलम भाई और कौन है ये की हाल है दानियाल तेरा? फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम की हाल है, कैसे हो भाई जान? अल्हम्दुलिल्लाह। टेबल वेबल सेट, बंदे गिन के लगाई है टेबल, काके नु चुक पै गई है, चुक नहीं हाँ जी। यहाँ पे इंतजार हो रहा है तलत का और इम्तियाज भाई का, और भूख ऐसी चमकी हुई है कि मैं क्या बताऊँ। और हम लोग यहाँ पे तब तक थोड़ी गपशप कर रहे हैं सब, लेकिन ये एक्सक्लूसिव सी जगह है बिल्कुल, और बाकी जगह पे तो रौनक है, लेकिन हम चाह रहे थे ऐसी कोई खामोश सी कोने में एक जगह हो, वहीं पे बैठ के हम लोग सैरी करें। ऑर्डर तो कर दिया है लेकिन बहुत भूख लगी। अच्छा पराठा, ये ऑमलेट, अभी तो चाय आएगी, और ये कीमा जो है ये गजाला भाभी ने बनाया है, आह हा हा, और ये अचार मैं लाई हूँ, और ये ढाका की मिठाई। चाय नहीं लाया? मुझे पराठे की एक प्लेट दे देना हमें, मुझे भी पराठा दे दे। लच्छा लाया, दूसरा नहीं लाया, साडे उत्ते चलानी है गड्डी। अभी मैं आपसे कह रही थी कि इतनी भूख लगी और अभी इतना खा लिया कि हिला नहीं जा रहा। जज़ाकअल्लाह तलत भाई भाभी, अल्लाह ताला आप लोगों के रिज़्क रोज़ी में बरकत दे। तू अपने मुंह ही रख, भूल जाते हमेशा मेरा नाम भूल जा। ताहिर भाई तो गजाला भाभी ताहिर भाई गजाला भाभी और ताहिर भाई, जज़ाकअल्लाह, बहुत ही मज़ा आया, डिफरेंट सहरी रही आज की।
रोमैच भाई, ये शगुफ्ता भाभी और ये मेरे भाई जो है ना, इनका जो आपस में चलता है मजाक, बोलो ना, आप चुप क्यों कर गए? चुप करो, समझो तुम्हारा ऑडिशन है। नहीं नहीं, मेरा ऑडिशन लोड की, मैं कुछ झूठ बोलया कि मेरा ऑडिशन दो दफा हो चुकी है। असलम शेर बने हैं, देख जब तो असलम ने ऐसे रखते हैं ना, शेर बन जाता है, और जब ऐसे मैं इधर पर ऐसे हो जाता, बकरी हो जाता है। असलम मैं कभी बैठे ही नहीं है। इतिहास की बेटी के निकाह पे हम लोग गए, वहाँ असलम भाई कह रहे हैं कि सब कुछ तो हो गया, खाना मिल गया, अब सेकंड वाइफ कहाँ है? सेकंड वाइफ हॉल का नाम था ना, वो तो मैं नहीं, आप लोग थे। वो तो पुलिस जो पिंडी में हुआ था, था गए थे, था इकट्ठे ही थे। हां हां, इकट्ठे ही गए थे, छाते उतर जा की था। तो आज तुमने क्रिकेट छोड़ी अपनी? नहीं नहीं, खेल के आए। ये है इंट्रोडक्शन करा उसका, ये है सर आखिरी रोजा 12:30 मिनट 4:52 पे बंद। अच्छा, डैनियल और डैनी 12:30 मार्च एक ट्रिप लगाएंगे भाई, वो भाई काके को बिठा देंगे वहाँ माइक दे। हाँ, फिर तो सफर पता नहीं लगा भाई। टांग की दर्द ठीक हुई है? टांग की दर्द सही हुई है, बिल्कुल ठीक हो गई। चल के दिखाओ, चल के प्यारी सी बिल्ली बन के दिखाओ, चल के दिखाओ ना। हमें चल के दिखाओ तो डिग पे आते। अच्छा, जलेबियां ना की सी है? जलेबियां ने खा दिया सी, इन्होंने क्या सी इन्हें इन्हें कहने पुरानी जलेबियां तार भाई ना खाओ, फैसला कर लो पहले। हां, मेनू मना कर रहे सारे दोनों दोनों मेरा ना दोनों हो दोनों भाई। पहले अपनी सलाह जिया भाई ने अद्धी खाधी, बाकी बाकी रास्ती लाई लगो। वैसे ओ ते ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਸੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੋ ਖਾਈਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਈਆਂ ਸੀ, ਦੋ ਤੂੰ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਬਸ ਬਸ ਜੀ ਸਾਂਝ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨ। ਆਹਿਰ ਭਾਈ ਬਸ ਥੋੜਾ ਹੀ ਰੰਗ ਲੈਣਾ, ਕਾਕੇ ਕੋ ਬੋਤਾ ਨਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਰੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਦੇ। ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਬਾਰਾ ਮੰਗ ਸਕ। और कहते इसकी नानी ने कहा था मोती चूर के लड्डू बेच रहे हैं, यही किया ना तुम्हें? औरते मैं कोई पीछे थोड़ी, औरते मैं कोई हड्डी थोड़ी। चलो जी जनाब, हम लोग सहरी से आ गए हैं और सहरी बहुत कमाल रही, बहुत मज़ा आया। पराठे तो कमाल ही होते हैं क्वेटा होटल के, उनकी चाय, चाय और पराठे का कॉम्बिनेशन हो तो साथ में ऑमलेट कीमा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कंपनी मैटर्स द मोस्ट, हमारी जो कंपनी बन गई है वो इतनी ज़बरदस्त थी। आपने देखा मेरे भाई कैसे चुटकले छोड़ रहे थे, और शगुफ्ता भाभी और असलम भाई और ताहिर भाई और सब कितना इन्जॉय कर रहे थे, इतना हंसते हैं कि प्लेटलेट्स बढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज़ अ ब्लेसिंग कि आपकी ज़िंदगी में इतने अच्छे लोग हों जिनसे मिलने के बाद आप इतने रिफ़्रेश्ड हो जाएं और इतने लाइट हो जाएं और इतना हंसें, तो ये बड़ी बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, वी आर बैक। आई होप यू लाइक द वीडियो। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, तब तक आपने अपना बहुत ख्याल रखना है। आप सही होंगे तो बाकी लोगों का ख्याल रख सकेंगे, तो पहले अपना ख्याल रखना है, फिर अपनी फैमिली का, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखना है। और मेरी बहुत सी दुआएं आप सब के लिए, मुझे भी, मेरे घर वालों को भी अपनी दुआओं में शामिल रखें। अगली वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।